बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑमलेट वाले चिकन चपली कबाब बनाएंगे। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। कबाब के लिए आधा किलो चिकन का कीमा, आधा कप भुने हुए चनों का आटा, आधा कप ब्रेड क्रम्स, एक अंडे का ऑमलेट, एक अंडा, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, एक छोटा बारीक चॉप हुआ प्याज, एक चॉप हुआ टमाटर, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया। ये चपली कबाब का मसाला मैंने घर पर बनाया है। चपली कबाब के मसाले में हमने कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, जीरा एक चाय का चम्मच, काली मिर्च एक चाय का चम्मच, अनारदाना आधा खाने का चम्मच, सूखा धनिया एक चाय का चम्मच, काली मिर्च साबुत दो से तीन दाने, छोटी इलायची दो से तीन, बड़ी इलायची दो से तीन, दालचीनी दो से तीन टुकड़े, इन सबको ग्राइंड कर लिया। और फिर उसमें सुर्ख मिर्च आधा खाने का चम्मच और नमक एक चाय का चम्मच मिक्स कर लिया और ये चपली कबाब मसाला घर पर बहुत ही आसानी से तैयार हो गया। अब कीमे में सब चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, एक अंडा, अदरक लहसुन पेस्ट, ब्रेड क्रम्स, भुने हुए चनों का आटा, एक अंडे का ऑमलेट, चपली कबाब मसाला जो मैंने घर पर बनाया है। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर अगर थोड़ा सा पतला हो तो इसमें भुने हुए चनों का आटा और शामिल कर सकते हैं। कबाब का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके कबाब बनाते हैं। कबाब बनाते वक्त हाथों पर ऑयल लगा लें और फिर इस तरह से गोल कबाब बना लें। अब ये कबाब हम फ्राई कर लेंगे और बाकी के फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के लिए पहले नीचे कबाब रखेंगे और उसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे। उसके ऊपर जो है बाकी कबाब रख देंगे और इस तरह से फ्रीज कर लेंगे। 3 से 4 घंटे के बाद जब फ्रीज हो जाएंगे तो फिर निकाल के एक बॉक्स में डाल लेंगे। एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें एक एक करके कबाब फ्राई करते जाएंगे। दरमियानी आंच पर इनको फ्राई करेंगे। पांच मिनट इनको एक साइड से फ्राई करेंगे और 5 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। चूल्हे की आंच हम दरमियानी ही रखेंगे ताकि अच्छी तरह से कीमा अंदर से पक जाए। साइड चेंज करने के बाद ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। साइड चेंज करने से पहले प्रेस नहीं करेंगे। कबाब बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कबाब बिल्कुल रेडी हैं। हमने कबाब को केचप और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी चटनी आपको पसंद हो। मेरा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें, द आर्ट ऑफ कुकिंग बाय अरूज, और मेरा पेज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, कुकिंग अरूज। Thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon.